ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। ओके, चैप्टर 4 का हीट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि हीट क्या होता है, कैसे हीट को मेजरमेंट लेते हैं, हीट के मेजरमेंट लेने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, उसका मेजरिंग यूनिट क्या है, उसके एसआई यूनिट क्या है, बहुत सारे टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब है कि हीट को कुछ ना कुछ नेचुरल नेचर है, ये प्राकृतिक ये कुछ कैरेक्टर है जो हमारे लिए यूजफुल भी बनता है, कभी कभी हार्मफुल भी होते हैं, बट ज्यादातर ये यूजफुल है। हार्मफुल तब होते हैं जब हम उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, तब हमारी हार्मफुल हमारे लिए होता है। ठीक है, जैसे गर्मी के महीने में बिना पानी पिए बिना खाए अगर हम कंटिन्यू धूप में खेल रहे हो तो लू लगने की संभावना ज्यादा है, तो ये लापरवाही है। ठीक है, तो अगर कोई हॉट प्लेट है उसे पक गया, हमको हीट हो गया, जल गया, क्या है? लापरवाही है। तो ये सब चीज, अब ये लापरवाही, ये लू लगना, ये सब जो चीजें हैं, आखिर ये सन से हीट आती है, जो गैस चूल्हा जलते हैं वहां से हीट प्रोड्यूस होकर के आयरन प्लेट हीट होते हैं और तब हमारी हाथ पकती है। ठीक है, तो अब यहां पे मैटर उठता है कि आखिर हीट वहां से आया कैसे, किस आधार पे हीट हम तक ट्रांसफर हो पाया है। आज हम लोग उसी विषय में डिस्कस करेंगे कि हीट हम तक आया कैसे। ठीक है, यानी कि अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, हीट का कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, हालांकि हीट जो है सन से यहां तक आने के लिए रेडिएशन का यूज करता है जिसमें मीडियम कहीं कहीं नहीं भी होती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में सबसे पहले इसको डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसका, लिखेंगे टू कैरी हीट फ्रॉम, लिखिए टू कैरी, ठीक है, टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू इट्स अदर पार्ट, ठीक है, क्या कहा, टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के, मान लीजिए ये लोहा है, ठीक है, तो इसको हम गर्म करते हैं तो इधर तक हीट पहुंचेगा, तो यही कह रहा है टू कैरी ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू ऑब्जेक्ट टू अदर पार्ट। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना ही हीट का ट्रांसफर कहलाता है, या हम कह सकते हैं और फ्रॉम, आप इतना भी याद कर लेंगे तो चलेगा, और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये प्रोसेस है हीट का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही हीट का ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, इसमें दो बात आप और याद रखिएगा कि हीट फ्लोज फ्रॉम, पहली बात, हीट फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ए हॉट ऑब्जेक्ट, ए हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट, एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ही हीट ट्रांसफर होता है। आप देखिए गौर से, आप स्कूल आने के लिए रेडी हो, दूध पीना है, अब ग्लास में गर्म दूध है, तो मम्मी क्या करती है, उस दूध को थोड़ा देर के लिए एक भरे हुए बाल्टी में जो पानी रखा हुआ उस पानी में थोड़ा देर के लिए ग्लास को ऐसे जो पूरा डूबे नहीं उसको लटका के मतलब छोड़ दिया जाता है। थोड़ा देर में क्या देखोगे कि पानी थोड़ा सा हीट हो गया और दूध ठंडा हो गया, मतलब क्या हुआ कि दूध में जो हीट थी वो ट्रांसफर हो गया। ये क्या हुआ,
कि हॉट ऑब्जेक्ट था ये कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ चला गया, हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ चला गया, ठीक है। ये बात यहां पर बता रहा है कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाए। दूसरा एग्जांपल आप और ले लीजिए कि आपने स्पून को, हालांकि सावधानी से करना है, ऐसे घर पे कर सकते हो मम्मी के सामने, स्पून को थोड़ा सा चूल्हे पे, चूल्हे जहां लौ जल रहे हैं, ठीक है, स्टोव के पास, वहां ले जाओ और थोड़ा सा उसको टच कराओ, देखोगे धीरे 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 हाथ के पास हीट आ जाएगी और हमको गर्म लगने लगेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर हुआ, मतलब हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया की तरफ जो है ट्रांसफर हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हीट फ्लोज फ्रॉम, दूसरा पॉइंट कहता है हीट फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू हायर टेम्परेचर, एन ऑब्जेक्ट टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करेगा। बात दोनों सेम ही है ना, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, ये इसके डेफिनेशन हुए, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और जब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगा मेरे लिए यूज का होगा ही नहीं। देखिएगा हीट के ट्रांसफर होने का कितना बड़ा रोल है, अगर हीट ट्रांसफर नहीं हुए तो हमारे काम का ही नहीं रहेगा, हमारा डेली लाइफ अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिजिक्स का जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल फिनोमेनन है, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। आप देखिए इस पॉइंट को एक एक करके देखते जाइए। और एक चीज और बताऊंगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ बुक्स में साइंस पढ़ने के ख्याल से मत पढ़ो, ये हमारे डेली लाइफ की यूजेज है, हम इसको डेली लाइफ में हमको देखना है, प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। और आपको मालूम हो कि प्रैक्टिकल भी हम कराते हैं, अच्छे ढंग से कराते हैं, बट हम आप लोगों से दूर होने के कारण अभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं देखा है मेरा, ये भी मैं कराऊंगा, ठीक है, वो भी कराऊंगा पूरा क्लियर। अब चलिए, तो इसमें कुछ ना कुछ स्टेप होंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब देखिए, एक बात आप लोगों ने देखा कि हम स्पून को गर्म करने का एग्जांपल लिए, ठीक है, स्पून से मतलब एक छोर से दूसरे छोर की तरफ, स्पून से स्पून के दूसरे छोर तक, ठीक है, स्पून से स्पून के दूसरे छोर तक आपको ये हीट ट्रांसफर हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्पून क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंसेज है, और इसको हमको सॉलिड से सॉलिड में ही ट्रांसफर हुआ, ये पॉइंट हम बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना। या आप आयरन रॉड को ही ले लीजिए, एक आयरन रॉड को आपने गर्म किया तो दूसरे आयरन रॉड तक पहुंच जाएगा, ये भी सॉलिड से सॉलिड हुआ। दूसरा होगा कि जब आप एक, अब देखिए चूल्हे पे पानी गर्म होती है कि बर्तन गर्म होती है, बहुत ऐसे चीज है कि हम लोग उल्टा बोलते हैं उसको समझ जाते हैं एक्चुअली में, अच्छी बात, ठीक है। अब चूल्हे पे जो चढ़ी हुई होती है जब कोई सामान पानी गर्म करने के लिए, तो एक्चुअल में बर्तन गर्म होता है, हम बोलते हैं पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में बर्तन गर्म होते हैं, वो यूटेंसिल गर्म होते हैं, और उसमें से हीट का ट्रांसफर होता है लिक्विड में। तो सबसे पहले मान लीजिए आप यूटेंसिल एक ले लीजिए, है ना, यूटेंसिल से आपके वाटर को आपने गर्म किया, बर्तन से आपने पानी को गर्म किया, तो ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। तो हम दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में आना, ठीक है। और तीसरा, और हीट देखिए, हीट तो हम सन से भी हमारे पास आता है, ठीक है, सन से भी हमारे पास आता है, तो सन के यहां तक क्या है, कुछ नहीं है, बहुत बहुत ऐसे एटमॉस्फेयर के बाहर तो एकदम वैक्यूम है, ठीक है। तो वहां से यहां तक जो आने की प्रोसीजर होगी, जैसे आपने दूर ही कोई हॉट प्लेट रखा हुआ है, तो वहां से हम तो हीट जो है फील होगी, तो ये इस तरीके से, जैसे सॉलिड हॉट प्लेट हो गया, आप हॉट प्लेट का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, हॉट प्लेट का एग्जांपल ले लीजिए, हॉट प्लेट से भी हम तक जो हीट आते हैं, ये भी एक एग्जांपल हो सकते हैं। तो यहां पे तीन बातें निकल के आती है, एक जो हीट का ट्रांसफर होने का प्रोसीजर है वो सॉलिड से सॉलिड में है, दूसरा जो हीट का ट्रांसफर होने का प्रोसीजर है वो सॉलिड से लिक्विड में है, और तीसरा जो हीट का ट्रांसफर होने का प्रोसीजर है वो उसके सोर्स से, कहीं ना कहीं उसका सोर्स है, उस सोर्स से हम तक आया जिसमें बाय एयर आया,
ठीक है, कहीं कहीं भी कम भी होता है, फिर भी हम तक ये ट्रांसफर हुआ, तो ये तीन तरह के प्रोसीजर आपको देखने को यहां मिला। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग अब हेडिंग बना लेते हैं। पहला जो प्रोसीजर है इसको हम लोग कहते हैं हीट का जो ट्रांसफर होता है, एक प्रोसेस हम बोल सकते हैं बाय कंडक्शन। क्या बोल सकते हैं? बाय कंडक्शन, ये सॉलिड से सॉलिड। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर हम बोल सकते हैं बाय कन्वेक्शन, है ना, बाय बाय कन्वेक्शन, ये वाला प्रोसीजर बोल सकते हैं। और तीसरा हम बोल सकते हैं बाय रेडिएशन, है ना, बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन के माध्यम से हम तक हीट आता है। ठीक है, अब इतना समझ गए आप लोग, ये तीन तरह से हीट ट्रांसफर होगा। अब एक एक करके हम लोगों के डेली लाइफ में इसके क्या यूजेज हैं, कैसे हम इससे फायदा उठा सकते हैं, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक एक करके एग्जांपल सभी पॉइंट्स में डिस्कस हम लोग को करना है। चलिए इतना को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे कहां से, तो कंडक्शन से। कहां से? तो कंडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अब कंडक्शन मेरे लिए कैसे यूज का है, क्या होता है कंडक्शन, वही हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। तीनों डेफिनेशन को एकदम ध्यान रखना है एक साथ। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या लिखिएगा, डेफिनेशन क्या लिखिएगा कंडक्शन का, एक नंबर हेडिंग बनाओ कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन क्या लिखेंगे, द प्रोसेस, द प्रोसेस, प्रोसेस बाय व्हिच, एक ऐसा प्रोसेस जिससे, द प्रोसेस बाय व्हिच हीट ट्रांसफर फ्रॉम, हीट ट्रांसफर फ्रॉम, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट, हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू कोल्डर पार्ट, कोल्डर पार्ट बाय, ठीक है, बाय सॉलिड सब्सटेंसेज, बाय सॉलिड सब्सटेंसेज। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर होता है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर, किसके माध्यम से, तो सॉलिड सब्सटेंसेज के माध्यम से। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया कि आप ऐसा कर लो कि ये आपके ये चूल्हे का फ्लेम है, ठीक है, ये फ्लेम है, आप यहां पे स्पून रखे हो, क्या रखा, स्पून रखा। अब यहां जब स्पून रखोगे तो यहां तो आएगा, थोड़ी देर में गर्म होकर के यहां तक आएगा। चलिए ये प्रोसीजर हो सकता है। उसके बाद मान लीजिए कि यहां पे आपने रॉड रखा, आयरन रॉड, लोहे का रॉड, थोड़ी देर में देखिएगा क्या कि ये रॉड से हीट यहां से यहां तक चला है। ठीक है, तो ये सॉलिड से सॉलिड में हीट ट्रांसफर होने की बात होती है। जरा एक एक्टिविटी घर पे करोगे, देखते हैं कि करके थोड़ा देखोगे, होता है घर पे एक्टिविटी क्या है। वैसे बुक्स में इसके डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, डायग्राम क्या बना हुआ है, ये एक स्टैंड है, क्या है, ये एक स्टैंड है, प्रूफ करना है कि कैसे सॉलिड में ट्रांसफर होता है। यहां से एक कसा हुआ है रॉड, जो है एक ऐसे लगाया गया।